तो ये है अपनी मारुति सुजुकी की रिट्स, और जो डैशबोर्ड का कंडीशन है वो आप देख पा रहे होंगे। तो गाइज ये है अपनी मारुति सुजुकी की रिट्स जो मैंने हाल ही में लिया है, सेकेंड परचेस किया है, और इसकी कुछ कंडीशन ऐसा है आप देख पा रहे होंगे। ये जो दाग है कुत्ते के, ये सब लौड़े लोग यहाँ पे बैठते हैं, ये यहाँ पे बैठता है, ये महाराज लाल पे बैठता है, और एक लाल बाल वाला कुत्ता है वो यहाँ पे बैठता है। जो भी हो कंडीशन कुछ, मेरा चुप कर जा, कंडीशन कुछ इस तरीके से है। ये है गाड़ी का हालत, टायर कंडीशन ठीक ठाक ही है, और पीछे एक जगह पर जैसा कि यहाँ पर एक टेंट लगा हुआ है। इंटीरियर का कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, ठीक मतलब गंदा है, तो गंदे कुछ ये सब साफ़ करने के, देखो सेकेंड हैंड गाड़ी है तो आपको कुछ साफ़ तो करना पड़ेगा, और मुझे टाइम भी मिला नहीं है। आज कुछ चीज़ें लेके आया हूँ, जो भी मेरे पास सामान था वो लेके आया हूँ मैं, जैसे कि एक टावल, एक गेंजी, एक और टावल और एक कपड़ा। अभी मैं कार साफ करने के लिए और एक चीज़ लेके आया हूँ, जो है ये ब्रश, किसी भी हार्डवेयर दुकान पे आप मेरे को मिल जाएगा आसानी से, और ये एक सार पिक्सल। अब मैं क्या करूँगा, और इसका जो ये वाला हिस्सा है वो ख़राब हो चुका है, मतलब नहीं है मेरे पास, तो इससे ही काम चलेंगे। कॉलिंग में ये वाला था, तो काम करते हैं। पहले आप डैशबोर्ड देख लो, ये कुछ कंडीशन है यहाँ पर, यहाँ पर आपको डोर पकड़ नहीं मिलता है, सारे गंदा हो चुका है, इसको साफ करना है। ये देखो बाहर की कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है, तो फिलहाल मैं एक जगह पे ही साफ करूँगा, वो है डैशबोर्ड, जो कि यहाँ पर है। ये सब गंदा हो चुका है, आपको अगर दिखाई दे रहा है तो आप देख पाओगे, लेकिन हम गाड़ी है ना भाई, थोड़ा सा आपको सफाई में ध्यान देना पड़ेगा। तो वैसे ठीक ठाक ही है, लेकिन बहुत ही गंदा हो चुका है, तो पहले मैं इस साइड में साफ करूँगा, अगर साफ होता है तो कंटिन्यू रखूँगा, नहीं होता है तो छोड़ दूँगा भाई। सर्विस से मैं साफ करूँगा, जो कि लिक्विड वाला है वहीं से साफ करेंगे। तो गाइज पहले मैं ग्रीटिंग से देता हूँ, तो ठीक है गाइज, मैं हूँ जितेश, और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है डायमंड राइडर्स एजे। देखते रहो व्लॉग को, और ये रखने के लिए कोई जगह भी नहीं है मेरे पास, ऐसे रखूँगा तो पता नहीं कैसे दिखाई देगा आप लोगों को, मैं वैसे रखता हूँ ताकि आप देख पाओ, ठीक है ना। मैं बाहर से सामान लेके फिर इसको ठीक करता हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा सर्विसल लिक्विड जो है वो मैंने डाल दिया है, अब इसमें पानी फिल करना है। चलो फिर, मैंने पानी ले लिया है इसको, इसमें ब्रश तो मेरे पास था पहले से, तो इसको फिर ब्रश है थोड़ा सा भी इसको, ये देखो जैसे का पेंट है इसको, इसमें ऐसे घिस ऐसे डालकर इसे साफ कर रहे हैं, ताकि अंदर वाला हिस्सा भी साफ हो जाए। देखो कितना गंदा हो चुका है, आपको दिखाई देगा शायद, साफ था ठीक है ना, ये देखो। तो इसके अंदर बहुत ही कार्बन जमा हुआ है, मेरे ख्याल से आप दिख पा रहे होंगे, अगर नहीं तो माफ़ करना भाई, इससे लाइट, इससे ज़्यादा लाइट मेरे पास नहीं है फिलहाल, मेरे मोबाइल से फिट करता तो अच्छा होता आई थिंक। पीछे करता ये वाला कपड़ा ले लेते हैं, और से घिस घिस के यहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे अभी आप इसे अप्लाई कर सकते हो कम पानी में सिर्फ। देखो ये जगह, देखो मैं एक जगह अपने एक डोर दिखाता हूँ आपको, ये डोर का कंडीशन देखो, हालत देखो, ये देखो
ठीक है ना, तो आप मैं इसे यहाँ पे अप्लाई करूँगा। पूरे डोर पे, अब शीशे पे, सारे जगह पे अप्लाई कर दो सही से। थोड़ा पानी होता तो अच्छा होता, लेकिन चलो चलता है, फिर भी चलेगा ये, कोई बात नहीं है। ठीक तरीके से अप्लाई कर दो, बहुत कम पानी में आपका पूरा काम हो जाएगा, एकदम सही से सब हो जाएगा। ये पूरी की पूरी भारी, ये देखो ये पूरा हिस्सा सब हो चुका है, क्लियर देख पा रहे हो? ठीक है ना, कितना पैसा होता है? कुछ भी नहीं, थोड़ा सा पैसा लगेगा। ये पूरा साफ हो चुका है, देखा? अभी पॉलिश नहीं दिया है, सिर्फ साफ कर लो। ऐसे करके पूरा डोर पैनल साफ करने के बाद हम फिर से वापस आते हैं। यहाँ पे स्पॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने लगाया नहीं, अभी इसे साफ करने के बाद देखते हैं कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं आता है। ये साफ देख रहे हो, यहाँ पे मैंने कैमरा रखा था, गोप्रो रखी थी, इसलिए यहाँ पर वो चीज़ नहीं आया था। अब देखो एकदम साफ हो चुका है, तो इसमें जो भी गंदगी थी वो मैंने साफ़ कर दिया फिलहाल। यहाँ पर फोकस कर ले बेटा, ये साफ हो चुका है, ये डोर पॉकेट। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि सभी को पता चले इस ट्रिक के बारे में।